तो फिर से एक बार मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। हम पतंग चगाते हैं छोटी से तो नीचे पड़ जाते हैं। हेलो, जो दूध पाक कम्प्लीट थी गयो है, काल बपोरे हंताई ने आमंत्रण छे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको मेरे माधव के दर्शन करवाती हूँ, और पहले तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो मेरे कान्हा जी, मेरे माधव भी तैयार हो गए हैं पतंग उड़ाने के लिए। उनके लिए भी मैंने डोरी, पतंग, फिरकी, तिल गुड़ की चिक्की, ये सारी चीज़ें ली है। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। तो सुबह सुबह ही मेरे कान्हा जी तो तैयार हो गए हैं छत पे जाने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने मेरे माधव के लिए कार्टून वाली और सिंपल वाली बहुत सारी पतंगे ली है, डोरी भी ली है, और यहाँ पर मुरमुरे के, तिल गुड़ के और राजगिरे के लड्डू और चिक्की रखे हैं इनको खाने के लिए। तो आप लोग भी जाइए, एंजॉय कीजिए और पतंग उड़ाइए, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए सुरक्षा का, और फिर पतंग उड़ाइए। और हाँ, दोपहर को ऊंधियू पूरी खाना मत भूलना। हमारे यहाँ तो ऊंधियू नहीं बनता है, मेरे घर में नहीं बनता, सब लोगों के घर में तो बनता ही होगा। मेरे यहाँ बनता है दूध पाक और पूरी। ये फिक्स है हर साल का हमारा कि यही चीजें बनती है। काकेरी नो रस, काम रस होता है। और मुझे और धारा के पापा को इतना वो नहीं है ये मकर संक्रांति का पतंग उड़ाने का शौक। तेल गुड़ की चिक्की और ये मुरमुरे के लड्डू खाना पसंद है, और पतंग देखना पसंद है ना। हम बैठ के देखते हैं, हम कभी भी पतंग उड़ाते नहीं है। डोरी, पतंग कुछ भी मैं नहीं खरीदती हूँ। मेरा मानव भी नहीं खरीदता है, वो भी ऐसे ही देखता है। मानव को एक ही शौक है, पटाखे जलाना। बस दिवाली पर या किसी भी दिन आप बोल दो, वो पटाखे जलाने के लिए तैयार ही होता है। तो कल भी मुझे बोल रहा था कि मम्मा पटाखे पड़े रखे हैं कि नहीं है। मैंने कहा बेटा एक भी पटाखा नहीं है। तो वो आने वाला है, पर वो आएगा तो उसे पटाखे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कल सारी ही बाजार बंद होगी। तो इस बार देखते हैं होगा कि नहीं, वरना हम हर शाम को मकर संक्रांति को है ना, शाम को 6:30 बजे पटाखे जलाने में लग जाते हैं, क्योंकि पहले से हम लाकर रखते हैं। लाकर के हम हर साल हमारा स्टॉल होता है दिवाली पर, तो बचा के रख लेता है मानो। पर इस बार तो दिमाग में ही नहीं रहा, और ध्यान से ही निकल गया, तो इसी वजह से एक भी पटाखा हमने रखा नहीं। तो कल देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। और आप लोग मेरे चेहरे की जो खुशी देख रहे हो वो क्या, मेरा बेटा आने वाला है इस बार, तो 3 या 4 दिन के लिए ही आने वाला है। ये बेड न्यूज है, अच्छी नहीं है। खुशी और गम दोनों साथ में ही है। तो चलिए बातें ज्यादा नहीं करती हूँ, अभी चाय नाश्ता भी करना है हमें। और इधर आ जाइए बाहर, देखो एक चीज दिखा। मैंने कल रात बहुत मेहनत करके हाथों में मेहंदी लगाई, और मेहंदी का कलर ही नहीं है यार, देखो मने इतना खराब कौन था। काम हूँ ना पाटो तो मेहंदी नहीं मुकवी ते अत्यारे मने के तुम्हारी नजर लगेगी। हाँ सच में इन्होंने मुझे मना किया था कि आज तुम मेहंदी मत लगाओ, और मैंने लगाई, पर अच्छा कलर ही नहीं आया हाथों में। देखो ये हुआ कि मैंने मेहंदी लगाई और रंग ना आया, वो है ना। बहुत ही अच्छा कलर आता है मेरे हाथों में। कोई नहीं, चलो नसीब मेरी क्या कभी। तो चलिए चाय नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। आप लोग भी आ जाइए गरम गरम चाय और नाश्ता करने के लिए। और फिर से एक बार मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। हेलो अंजू, जाओ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तभी मैं बना रही हूँ लाल मिर्च का अचार, देखो। और सब जी जा रहे हैं दुकान। जय श्री कृष्ण बाय। जय माता जी। जय माता जी। तो अभी लाल मिर्च का अचार बन के हो गया है तैयार, और आज ये लाल मिर्च बहुत ही तीखी थी, मेरे हाथ चल रहे हैं। तो चलिए देखो, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, उससे भी ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो चलिए अभी के लिए तो ये अचार बन के हो गया है तैयार, तो मिलती हूँ आपको। तारा अभी आ गई है स्कूल से, और तारा को आज टीचर ने कुछ कहा है, वो आप लोगों से कहना चाहती है। बोलो क्या कहना है। टीचर ने ऐसे क्या कहना है ना, दौड़ा दौड़ी नहीं करनी चाहिए, और है ना भाग दौड़ में नहीं करनी चाहिए,
और सिरक के पगठे इसमें दौड़ा दौड़ी नहीं करने चाहिए, वो माथा फूट जाता है। तो हम पतंग चुगाते हैं ना छोटी छोटी से, तो नीचे पड़ जाते हैं। हम यहाँ गड़ा पास रखते हैं ना, तो ऐसे चुगाता है गड़ा पास, तो यह गला कट जाता है। तो इसका ध्यान रखना है पतंग चगाते टाइम, है ना? हाँ। जब भी पतंग उड़ाए तो अपने गले का और अपना ध्यान रखिए, टीचर ने ऐसे कहा। तो तुम कल पतंग नहीं उड़ाओगी ना? पर उड़ाऊंगी। उड़ाओगी? तुम्हें आता है? हाँ। भाई को तो नहीं आता? भाई को मैं सिख रहा। तुम सिखाओगी? तो चलिए अभी कपड़े बदलिए और खाना दे दूं, या तुम्हारे पापा आए तब खाओगी? मैं खा लेती हूं। तो चलो पहले कपड़े बदलो, फिर तुम्हें खाना दे देती हूँ। तो अभी 2:15 बज रहे हैं और अभी आए हैं ये दुकान से, तो अभी हम बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए और धारा आप सबको बुला रही है, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ दाल चावल सब्जी रोटी और लाल मिर्च का अचार खाने के लिए, है ना धारा? तो चलिए खाना पीना कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। आज इनको आने में देर हो गई है और अभी इनको फटाफट खाना खा के वापस दुकान भी जाना है, तो बहुत ही जल्दी हो रही है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। फाइनली गुलाब नु जाड़वू वाववानो समय आवी गयो छे। मस्त फाइनली याद बता दिया मैंने गुलाब ने। पानी अत्यारे पानी नो लागते, मां ज्या રાખવાનું હોય ને ને રાખીને પાણી રાખ દે, થોડા સા ભી નહીં। નહીં તો અભી કે લિયે મેને યે ગમલા એક ખાલી કિયા હે, ઇસમે એલોવેરા કા પૌધા થા વો નિકાલ કે ફિર મેને ઇસમે ગુલાબ લગાયા હે, ઓર યે દેસી ગુલાબ હે તો બહોત સારી બ્રાન્ચ નિકલી હે, તો યે અચ્છે સે શાયદ હો જાયેગા। तो अच्छा है, तो अच्छा है। हर रोज माता रानी को और मेरे माधव को फूल चढ़ाऊंगी, है ना? इसे भी मुझे गुलाब के फूल बहुत ही पसंद है। तो अभी मैंने यहाँ पर जगह की है सब्जी, देखिए। हाँ तो ले लिया लो। तो वहाँ पर रख दू? हाँ। पर वहाँ पर कपड़े सुखाने में और जलने में थोड़ी दिक्कत होगी। ओ, 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 ओ बहुत भारी है। देखो यहाँ पर इतनी जगह बचेगी, यहाँ पर मीठा नीम है तो इसे यहाँ से हटाना होगा। तो चलिए कोई नहीं, तो ये मैं सारा एडजस्ट करूंगी सारे काम। तो अभी यहाँ पर साफ सफाई करूंगी और धारा सो रही है और शाम के बजे है 4:15। तो चलिए ये सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो अभी फाइनली गुलाब के पौधे के लिए मैंने यहाँ पर जगह बना दी है। यहाँ पर मैंने क्यों रखा है पता है? यहाँ पर ही धूप आती है, सुबह आती है 1.5 घंटे के लिए, तो इस वाली जगह पर धूप आती है। तो कोई भी पौधा हो उसे धूप चाहिए, चाहे सुबह की हो या शाम की हो, तो ही वो अच्छे से फल फूल सकता है और उसमें फूल आते हैं, वरना कोई भी फूल उसमें नहीं आता। और यहाँ पर भी बहुत सारे फूल के पौधे हैं पर धूप नहीं आती, इसी वजह से यहाँ पर कोई भी फूल नहीं आता। ये इसमें भी पिंक वाले फूल आते हैं पर यहाँ पर धूप नहीं आती, इसी वजह से ऐसा ये है। तो इसे मैं सोच रही हूँ इसे यहाँ से निकाल कर बाहर लगा दूँ, जो बाहर मेन गेट है वहाँ पर जगह है, मैंने वहाँ पर भी एक क्यारी बनाई है तो वहाँ पर लगा दूंगी। और अभी के लिए श्याम तुलसी यहाँ पर रखी है और ये है अजवाइन, ये सो पीस है, ये है तुलसी और यहाँ पर कुछ यहाँ पर है सारे सो पीस वाले पौधे जिसे धूप की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे भी होते हैं तो ये भी बिना धूप के ही होता है, ये वाला पौधा है वो, ये मुझे बहुत ही पसंद है। एक मेरे गलियारे में भी है, देखिए। तो ये थोड़ा मुरझा गया है तो इसे भी निकाल कर यहाँ से यहाँ आंगन में लगा दूंगी और यहाँ पर जो लगा हुआ है वो मैं गलियारे में रख दूंगी। तो सोच रही हूँ कब करती हूँ, देखती हूँ। तो चलिए अभी के लिए तो मैंने गुलाब के पौधे के लिए जगह बना दी है तो ये यहाँ पर ही रहेगा, देखते हैं कितने फूल आते हैं कितने नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है गुलाब के फूल। मुझे सारे ही फूल पसंद है, मुझे ऐसा लगता है मैं पूरे आंगन में सारा ही गार्डन गार्डन बना दूं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद।
કેટલા મીટર છે? આંટી પ્લેટિનિયમ નવું છે, આ વર્ષનું. આ વર્ષનું પણ ચગાવવું હોય એને, મને કે સેઠ ને તો આવડતી નથી ને કોઈ શોખ નથી તો શું કરવાનું કે. અમે નો લઈએ ને કોઈ ને લઈએ નો દે, પતંગ દોરા નો ચગાવાય, હું ના પાડું નો ચગાવાય. તો દેખો યહાં પર અભી કિતની ભીડ હે, ઓર પતંગ ભી આપ દેખ સકતે હો કિતની સારી હે. और अभी मैं आपको पूरी बाजार भी दिखाऊंगी. और देखिए ये है मेरा भाई, आपने आगे देखा ही है. तो हवे मेहरबानी करीने चाइनीज दोरानी मांगणी करता नहीं, मेहरबानी करीने आया आवीने कोई चाइनीज दोरानी मांगणी करता नहीं. बीजू करवा फोन करवामां आवशे. बीजू काय केवानो तमारे? हालो बजार जोईए. આજે તો આખી બજાર બતાવી છે અમારા શેર ની બજાર હે ને. હાલો જો દૂધ પાક કમ્પ્લીટ થઈ ગયો હે, કાલે બપોરે હંતાઈને આમંત્રણ છે. દૂધ પાક પૂરી ભજીયા ને શાક આલુ સબ્જી ને ચાવલ, બરોબર? ચાવલ ભી ખાને? હા. તો દાળ બનાવું કે નહીં બનાવું? નહીં દાળ નથી બનાવવી. ચલો દાળ કેન્સલ. એટલી દહીં આવી ગઈ તાળી પર. તો ચલીએ, આપ લોકો કો ધારા કે પાપા ને બતા દિયા હે કલ દોપહર કા મેનુ હી સારા આપકો બતા દિયા હૈ તો અબ મુજે બતાને કી કોઈ જરૂરત નહીં હે. તો આ જઈએ, દૂધ પાક બનકે તૈયાર હો ગયા હે. તો સબ મિલકર ખાયેંગે ઓર મકર સંક્રાંતિ કા ત્યોહાર મનાયેંગે ઓર તિલ ગુડ કે લડ્ડુ ચીકી. તો વો તો મેને કલ સે બના લી હૈ, કલ સે ક્યા દો દિન સે બના રહી હું. તો સાથ મે મિલકર ખાયેંગે ઓર ત્યોહાર મનાયેંગે. તો ચલીએ, ઇસી બાત પર આજ કા વિડિયો ભી યહીં પર રખ દેતી હું. આપકો કેસા લગા ઓર હમારે શહેર કી પતંગ બાજાર કેસી લગી વો ભી મુજે કમેન્ટ મે બતાના. ઓર આજ કા વિડિયો અચ્છા લગા હો તો વિડિયો કો લાઇક શેર સબસ્ક્રાઇબ કરના, બેલ આઇકન કો જરૂર પ્રેસ કરના. તો કલ ફિર મિલુંગી એસી મસ્તી કે સાથ ઓર એસી નઈ નઈ બાતો કે સાથ. તો આજ કે લિયે ઇતના હી, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, જય ભોલેનાથ, એ જય ગિરનારી, જય ગિરનારી, જય ગિરનારી.